मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। शुक्रवार से प्रदेश में बारिश शुरू होगी जो 14 सितंबर तक चलेगी। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अगले 8 दिन में दो नए सिस्टम बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई शहरों में बारिश हो रही है। सितंबर में मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तेज धूप परेशान करती है तो बारिश गर्मी से राहत दे रही है। कुछ शहरों में बीते दिनों काफ़ी तेज बारिश भी हुई थी, इससे एक बार फिर से डैम ओवरफ्लो हो गए थे। नदी नाले उफान पर भी आ गए थे। ऐसा ही दौर 9 सितंबर से फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक अब 9 और 10 सितंबर को मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके इंदौर, बैतूल और नर्मदापुरम में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद 12 से फिर प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू होगा। इस दौरान 14 सितंबर तक लगातार 3 दिन प्रदेश के मध्य और ऊपरी इलाके भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड समेत कई अन्य इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अब तक करीब 40 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य रूप से 33 इंच बारिश होनी चाहिए। पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और टीकमगढ़ में सामान्य से कम बारिश हुई है। हालांकि सिर्फ रीवा और सीधी ही दो ऐसे इलाके हैं जहां बारिश सामान्य से करीब 30% कम है। पश्चिम मध्य प्रदेश में दतिया 30%, अनूपपुर 29% और झाबुआ 25% ही ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश का कोटा सामान्य से कम रहा है। इसके अलावा धार और मुरैना में ही सामान्य से कुछ बारिश कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।